प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र को बोले घृणित शब्द, शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद में फिर एक बार मान्यता को तार तार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापक नगमा सिद्दीकी ने विद्यालय में ही पढ़ा रही शिक्षा मित्र को घृणित व गंदे शब्द बोले, जो कि शिक्षा मित्र वीना शाक्य को आत्महत्या करने पर विवश कर सकते हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता शिक्षा मित्र बीना ने खंड शिक्षा अधिकारी से की है। फिलहाल देखना होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रधानाध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानाध्यापक का कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको बता दें, ये पूरा मामला फरुखाबाद के अलीपुर प्रीत ढुलेश्वर गांव का है। इस दौरान पीड़िता ने बताया, मुझे प्रधानाध्यापक नगमा सिद्दीकी ने बहुत ही ज्यादा घृणित शब्द बोले हैं। इसी के साथ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं ने बताया, हमारे सामने नगमा सिद्दीकी मैडम ने वीना मैडम को बहुत ही ज्यादा गंदे व घृणित शब्द बोले और वे हमारे साथ भी गलत व्यवहार करती हैं। आपको बता दें कि एंट्री रजिस्टर को लेकर प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र को गंदे व घृणित शब्द बोले हैं। फिलहाल देखना होगा कि फरुखाबाद प्रशासन द्वारा आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, या फिर ठंडे बस्ते में डालकर ये मामला छोड़ दिया जाएगा। फरुखाबाद से ब्यूरो चीफ आलोक रतन की रिपोर्ट। आप रोइए मत सर, नहीं कोई बात नहीं, आप रोइए मत। प्रधानाध्यापक ने आपको गाली गलौज किया है, इतनी गंदी गंदी भाषा में आपसे बोला है। चलिए उनसे बातचीत की जाएगी, और जो भी है आप क्या उनके कुछ लिख रही हैं ना, एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिख रही हैं? जी सर, मैंने सोच लिखा है कि कभी कई गांव वालों के जो सामने थे उपस्थित थे रास्ते में, तो उन लोगों को मैंने बुलाया, उन लोगों ने कहा कि बिल्कुल मैडम हम सच्चाई पे कहेंगे, मैडम भी हमारी है, आप भी हमारी है, कोई बात नहीं, विद्यालय में हम लोगों का है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैडम ने रोड पे चलते इतनी गलत भाषा यूज की, हम साइन करेंगे और आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी को दीजिए, अगर खंड शिक्षा अधिकारी इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो हम आपके साथ आगे तक जाएंगे। जी।